वेलकम बैक टू माई चैनल किड्स एडुकेशन। इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर 1 ऑफ योर क्लास 2 ICSE ट्री हाउस EVS बुक। ओके, तो द फर्स्ट चैप्टर इज़ मी एंड माई बॉडी। ओके, सबसे पहले आपको ये एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अपना पिक्चर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। माई नेम इज़ वॉट एवर इज़ योर नेम, जो भी आपका नाम है वो इस ब्लैंक में आप लिख दीजिए। आई एम अ बॉय और गर्ल, आप बॉय हैं या फिर गर्ल है वो लिख दीजिए। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, जितने भी ईयर्स आपका एज है। आई स्टडी इन क्लास, और हम सब कौन से क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, क्लास 2। द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ वॉट एवर इज़ योर स्कूल नेम, ये आप फिल कर लीजिएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। नाउ यू आर इन क्लास 2, यू हैव ग्रोन अ ईयर ओल्डर। अब आप सब यहाँ कहाँ, कौन से क्लास में है, क्लास 2 में, और आप सब एक ईयर और बढ़ चुके हैं और एक ईयर और बड़े हो चुके हैं। हैव यू ग्रोन अ लिटिल टॉलर सिंस लास्ट ईयर, क्या आप पिछले साल के मुकाबले अभी थोड़े से लंबे हो गए हैं, यस और नो, ये आपको खुद से बताना है। वॉट आर द टू थिंग्स डैट यू कैन डू नाउ डैट यू कुड नॉट डू लास्ट ईयर, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अब कर पा रहे हैं जो कि आप पिछले ईयर नहीं कर पाते थे, ये चीज़ें भी आपको अपने से लिखनी है। ओके, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड डैट वी आर ऑल द सेम येट डिफरेंट इन मैनी वेज, डैट इज़ वाई ईच वन ऑफ अस इज़ स्पेशल। अगर हम अपने आस पास देखेंगे तो हमें ये दिखेगा कि हम सब सेम हैं, लेकिन फिर भी हम सब काफ़ी तरीके से एक दूसरे से अलग हैं। जैसे कि आप और आपके क्लासमेट सभी के हाइट लगभग सेम है, एज भी लगभग सेम है, लेकिन फिर भी हम सब एक जैसे होकर भी हम सब के पास वही सारी चीज़ें हैं। हम सब के पास टू हैंड्स हैं, टू लेग्स हैं, फेस भी हम सबके पास है, सबके पास टू आइज़ है, वन नोज़ है, वन माउथ है, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे से अलग हैं। कैसे, किसी की हैंड राइटिंग अलग है, किसी की वॉइस अलग है, सबका जो अपने अपने पसंद होती है वो अलग होती है। इस वजह से डैट इज़ वाई ईच वन ऑफ अस इज़ स्पेशल, तो इस वजह से हम सभी क्या हैं, स्पेशल है, ख़ास है। हॉबीज़, वी लाइक डूइंग डिफरेंट थिंग्स इन आवर फ्री टाइम, समथिंग डैट वी इन्जॉय डूइंग इन आवर फ्री टाइम इज़ नोन एज आवर हॉबी। हम सबको खाली टाइम में कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है ना, और उस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो वो काम जिसे हम अपने फ्री टाइम में करते हैं और जिसे करने में हमें बहुत मज़ा आता है, उसे हम कहते हैं हॉबी। वी डू सच थिंग्स फॉर आवर प्लेजर, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज सच एज रीडिंग, स्विमिंग, गार्डनिंग, सिंगिंग एंड पेंटिंग। ये सब हॉबीज़ हम अपनी क्यों बनाते हैं, ताकि क्योंकि उसे करने में हमें खुशी मिलती है। और अलग अलग लोगों के अलग अलग हॉबीज़ होते हैं, जैसे किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को स्विमिंग करना अच्छा लगता है, किसी को गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है। ओके, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन क्लास 1 वी लर्नड दैट आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। क्लास 1 में बच्चों आपने अपनी बुक में पढ़ा था कि हमारे बॉडीज के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और अब हम क्या करेंगे क्लास 2 में, क्या करेंगे उन्हीं पार्ट्स के बारे में और थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स और ऑर्गन्स, सम पार्ट्स कैन बी सीन बाई अस एंड आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। हमारा जो बॉडी है वो अलग अलग पार्ट्स से बना हुआ है, और या फिर उन्हें ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं, वो उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन, जो हमें दिखते हैं। पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सच एज द हेड, नेक, हैंड्स एंड लेग्स आर सम ऑफ आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स। आप अपने बॉडी में देखिए कि आपके हेड आप देख सकते हैं, आप अपने नेक को देख सकते हैं, हैंड्स को देख सकते हैं, लेग्स को देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें दिख जाती है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल ऑर्गन्स। आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स हेल्प अस टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स, आवर लेग्स हेल्प अस टू वॉक, आवर हैंड्स हेल्प अस टू राइट, होल्ड थिंग्स, मेक थिंग्स एट्सेट्रा। हमारे जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो हमारी
बहुत हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ें करने में। हमारे लेग्स हमें चलने में हेल्प करते हैं, हमारे हैंड्स हमें लिखने में, किसी चीज़ को पकड़ने में और किसी चीज़ को बनाने में हेल्प करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, सम बॉडी पार्ट्स आर इनसाइड आवर बॉडी एंड कैन नॉट बी सीन बाई अस, दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर हैं और वो हमें कभी नहीं दिखते, उन्हें के हम क्या कहते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। द हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड स्टमक आर सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के एग्जाम्पल हैं हार्ट, लंग्स, ब्रेन और स्टमक। द ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी, इट हेल्प्स अस टू थिंक, लर्न एंड रिमेंबर थिंग्स। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। हमारा ब्रेन यानी हमारा दिमाग जो है वो हमारे हेड के एकदम टॉप पर रहता है, हेड में है वो, तो वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। वो हमें चीज़ों को सोचने में, कुछ सीखने में, चीज़ों को याद रखने में हेल्प करता है और वो हमें दिन भर के जो भी काम हम कर रहे हैं वो करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इफ़ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट पार्ट ऑफ योर चेस्ट यू विल फील समथिंग बीटिंग, इट इज़ द हार्ट, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अगर हम अपना हाथ अपने चेस्ट के यानी अपने सीने के लेफ्ट पार्ट पर रखेंगे तो हमें क्या महसूस होगा कि कोई चीज़ है जो हिल रहा है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट, हार्ट यानी दिल। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। हार्ट का फंक्शन क्या है कि वो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पम्प करता है। ब्लड को आपने देखा होगा रेड कलर का, अगर कहीं हमारा चोट लग जाता है, कहीं कट जाता है तो ब्लड, आपने देखा होगा हमें बॉडी से रेड कलर का एक लिक्विड निकलता है, उसे ब्लड कहते हैं। वो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को भेजता है। द फूड दैट वी ईट गोज इनसाइड अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड द स्टमक। जो खाना हम खाते हैं, हमने खाना तो मुंह से खा लिया, माउथ से, तो वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है वो खाना, वो एक बैग लाइक ऑर्गन है हमारे पास, उसको क्या कहते हैं, स्टमक, वहाँ जाता है। द स्टमक हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड। स्टमक हमारा किस चीज़ में मदद करता है, खाने को डाइजेस्ट करने यानी उसको तोड़ देने में। वी हैव टू लंग्स, दे हेल्प अस टू ब्रीथ। हमारे पास दो लंग्स हैं और वो हमारे किस में हेल्प करते हैं, सांस लेने में। सेंस ऑर्गन्स, डू यू रिमेंबर व्हाट यू लर्न्ड अबाउट सेंस ऑर्गन्स अर्लियर। क्लास वन में भी आपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, तो आपको क्या याद है, लुक एट दिस पिक्चर्स, राइट डाउन व्हाट द बॉयज विल नॉट बी एबल टू डू अंडर ईच ऑफ द पिक्चर्स। आपको ये सारे पिक्चर्स देखने और आपको बताने के ये सारे बॉयज क्या नहीं कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट वाली पिक्चर देखिए, उस बॉय के आँख पर पट्टी बंधी हुई है, आइस पर, ही विल नॉट बी एबल टू सी। सेकेंड वाले में देखिए, उसने अपने कान एयर्स के पर फिंगर रखे हुए हैं, ही विल नॉट बी एबल टू हेयर। थर्ड वाले में देखिए, उसने अपनी नोज बंद की हुई है, ही विल नॉट बी एबल टू स्मेल। अगर हम अपनी नोज बंद कर ले तो हम स्मेल नहीं कर पाते। ही विल, फोर्थ पिक्चर में देखिए, उसने अपने माउथ को बंद किया हुआ, ही विल नॉट बी एबल टू टेस्ट। अगर हम अपने माउथ को ही बंद कर लेंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे और टेस्ट कैसे करेंगे। पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प अस फील द वर्ल्ड अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। हमारे बॉडी के वो पार्ट्स जो हमें बाहर की दुनिया के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। इन सब का क्या काम है, हमें देखने, सुनने, स्मेल करने और किसी चीज़ को टेस्ट करने और किसी चीज़ के टच करने में मदद करते हैं। आवर आइज हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग्स, वी हैव टू आइज। हमारे आइज हमें क्या चीज़ में मदद करती हैं, पूरी दुनिया को देखने में, और हमारे पास दो आइज हैं। आवर एयर्स हेल्प अस टू हेयर साउंड्स,
द साउंड्स में भी लाउड और सॉफ्ट, हाई और लो, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। हमारे जो एयर्स हैं, हमारे जो कान हैं, वो हमें साउंड सुनने में हेल्प करते हैं, और वो साउंड तेज़ भी हो सकते हैं और धीरे भी हो सकते हैं, और अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं म्यूज़िक बज रहा है तो वो क्या है, एक प्लेजेंट साउंड है, और अगर कहीं हॉर्न बजने की आवाज़ आ रही तो वो क्या है, अनप्लेजेंट साउंड है। आवर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स। सम थिंग्स हैव अ स्वीट स्मेल वाइल सम हैव अ बैड स्मेल। हमारा नोज़ जो है वो हमें चीज़ों को सूंघने में मदद करता है, किस चीज़ का कैसा महक है ये हमें हमारा नोज़ बताता है। कुछ चीज़ों की महक अच्छी होती है, कुछ चीज़ों की स्मेल अच्छी होती है, और कुछ चीज़ों की स्मेल ख़राब होती है। ओके, वी ऑल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ आवर नोज। और हम किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, किसके थ्रू सांस लेते हैं, नोज़ के थ्रू हमारे बॉडी में एयर अंदर जाता है, और नोज़ के थ्रू ही बैड एयर बाहर आ जाता है। आवर माउथ हैज़ अ टंग, आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग। हमारे माउथ के अंदर कौन है, टंग। पिंक कलर का आपने देखा होगा, अगर आप कभी अपना माउथ देखा होगा खोल कर, तो पिंक कलर का एक ऑर्गन है, उसको क्या कहते हैं, टंग। हमारा टंग जो है, हमारी जो जबान है, वो हमें चीज़ों को टेस्ट करने में मदद करती है। देयर आर फोर बेसिक टेस्ट डेट आवर टंग कैन फील, स्वीट, सॉल्टी, बिटर एंड सार। फोर टेस्ट है जो हमारे टंग हमें पहचान कर बता सकते हैं। स्वीट यानी कोई चीज़ मीठी हुई, सॉल्टी यानी नमकीन, बिटर यानी कड़वी, और सार का मतलब हो गया खट्टी चीज़। ओके, थिंग्स कैन बी कोल्ड, हॉट, रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट और शार्प। द स्किन हेल्प्स अस टू टच एंड फील देम। हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो कुछ ठंडी हैं, कुछ गर्म हैं, कुछ रफ है, कुछ खुदरी है, और कुछ मुलायम है, कुछ एक बिल्कुल भी हार्ड है, कुछ सॉफ्ट है, और कुछ कुछ शार्प भी है। तो स्किन हमारी हमें मदद करती है उन्हें छूकर उन्हें महसूस करने में। आवर बॉडी इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ स्किन, द स्किन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी, पूरा बॉडी जो है वो स्किन से कवर है, ठीक है, और हमारा स्किन जो है वो हमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी इंटरनल बॉडी पार्ट्स को बचाता है। अच्छा, डिड यू नो में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। स्किन जो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। तो ये पॉइंट आप प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, अब हम अपने बॉडी का ख्याल कैसे रखें। वी शुड लुक आफ्टर आवर बॉडी एंड कीप इट क्लीन एंड फिट। हमें अपने बॉडी का ख्याल रखना चाहिए और उसे साफ सुथरा और चुस्त रखना चाहिए। These are some things we can do: eat clean and healthy food, have a bath daily with soap and water to keep the skin clean and free of germs. हमें बिल्कुल साफ सुथरा और हेल्दी खाना खाना चाहिए, बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए। हमें डेली नहाना चाहिए साबुन से और पानी से, ताकि हमारा स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा साफ रहे और उसके ऊपर जर्म्स ना हो। ब्रश योर टीथ ट्वाइस डेली, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट, दिस विल कीप जर्म्स अवे। हमें हमारे टीथ को दिन भर में दो बार धोना चाहिए, एक बार सुबह में और एक दफ़ा रात में। इससे क्या होगा, हमारे टीथ पे बिल्कुल भी जर्म्स नहीं होंगे। Do not put sharp things into your eyes or ears. हमें अपने आँखों में और कान के पास बिल्कुल भी कोई शार्प यानी नोकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए। Keep your nose clean and use a clean handkerchief to do so. हमें अपनी नाक को भी साफ रखना चाहिए और हमेशा अपनी नाक को हमें एक साफ सुथरे रुमाल से साफ करना चाहिए। Do not watch television or use a computer for too long. हमें कभी भी TV या कंप्यूटर बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए, इससे हमारे आँखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। डू सम एक्सरसाइजेस लाइक योगा एंड प्ले सम स्पोर्ट्स टू स्टे हेल्दी। और हमें कुछ एक्सरसाइज करने चाहिए, जैसे कि योगा, और या फिर हम घर पे भी खेल सकते हैं, बाहर निकल कर खेल सकते हैं कुछ गेम्स, इससे भी हम क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। ओके, तो
वर्ड्स टू लर्न भी आप लर्न कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्ज़ाम में आता है. ओके, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.